आपको पता बाइबल में ऐसे लिखा प्रकाशित वाचक की पुस्तक में कि स्वर्ग में कोई भी दुख नहीं होगा। समझ आ रही है? ध्यान दो, कैसे लिखा? ऐसे लिखा कि स्वर्ग में कोई भी दुख, कोई भी ऐसे हालात नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी वहां पे दुख हालात नहीं होगा स्वर्ग में। और वो वाला स्वर्ग का जीवन जिसमें वहां पे आपको कोई दुख तकलीफ नहीं है, आप पृथ्वी पर भी जी सकते हो। आमेन, हालेलुया। क्या कर सकते हो अब? वो वाला जीवन जो स्वर्ग में परमेश्वर हमें देने वाला है, जो यूहन्ना ने कहा कि वहां पे ऐसे प्रकाशित वचन में ऐसे लिखा कि वहां पे कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, और वो जीवन आप पृथ्वी पर भी जी सकते हो। क्या कर सकते हो? पर कैसे? विश्वास। जैसे यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा कि चोर क्या आता है? चोरी करनी, घात करनी और नाश करनी। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले, और कौन सा? बहुतायत का, जिसे हम बोलते हैं अबंडेंट लाइफ, चोखा, जिसमें कोई भी कमी नहीं। क्या है? कोई कमी नहीं। पर उसने कहा वह उससे जीवन को पाएंगे। वह का मतलब जो मेरी बात का विश्वास करेंगे। समझ आ रही? इसलिए वो स्वर्ग वाला जीवन आप पृथ्वी पर भी जी सकते हो, जिसमें कोई दुख नहीं। बोलो क्या है? जिसमें कोई घटी नहीं। पर इस जीवन को अपने विश्वास से अपने जीवन में प्रकट करना है। क्या करना है? प्रकट करना। जैसे यूहन्ना 3:1-2 में ऐसे लिखा कि वहां पे लिखा है ऐसे, इस वचन को पढ़ते हैं। कैसे लिखा है? 3:1-2 तो यहां पे ऐसे लिखा, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। कैसे कहा परमेश्वर ने? प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। तो यहां पे ऐसे लिखा है, पर ओरिजिनल टेस्ट में ये शब्द है कि मेरी ये प्रार्थना है। मतलब वहां पे ऐसे परमेश्वर ने कहा, मेरी तेरे लिए एक उत्तम चाहत है। ओरिजिनल टेस्टमेंट में ऐसे लिखा है, मेरे तेरे लिए उत्तम चाहत है कि अगर तू आत्मिक उन्नति कर रहा है तो तू सब बातों में उन्नति करेगा और तेरा शरीर भी क्या रहेगा। और जब आप आत्मिक उन्नति करोगे, आपको पता आत्मिक उन्नति कैसे होती है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। कैसे आता है विश्वास? सुनने से। क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना ही आपके अंदर विश्वास आएगा। आप एक दो हफ्ते परमेश्वर से दूर होकर देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि विश्वास आता है सुनने से। इसलिए आपकी आत्मिक उन्नति किन बातों से होती है? जैसे आप अगर आप रोज रोज प्रार्थना कर रहे हो तो अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हो। आप रोज रोज परमेश्वर के वचन को याद कर रहे हो तो आप अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा। कहता है मेरी, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना, मतलब मेरी तेरे लिए उत्तम चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है तू वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। मतलब सब बातें, मतलब उसमें सब कुछ आ गया। क्या आ गया उसमें? सब कुछ आ गया। तू सब बातों में उन्नति करे। हाँ, उसमें आपका अच्छा एक जो बिजनेस है, आपका कारोबार, आपका अच्छा फाइनेंस, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी फैमिली, उसमें सब कुछ आता है जो आपको चाहिए। कहता तो सब बातों में उन्नति करें और तेरा शरीर क्या रहे, भला चंगा। समझ आ रही? और कब ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा? जब आप इसे करोगे। अगर आप कर कुछ नहीं रहे तो फिर कैसे होगा?
क्योंकि विश्वास आता सुनने से। अगर आप सुन रहे हो परमेश्वर की बातों को, याद कर रहे हो उसके वचनों को, तो आप अपनी आत्मिक उन्नति कर, आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, कितनी कितना समय प्रार्थना कर रहे हो तो अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप सब बातों में उन्नति कर रहे हो। फिर आपके लिए स्वर्ग यहां पे भी क्या है, यहां पे भी स्वर्ग है। जब ये चीजें आप करोगे, जैसे मत्ती छह की नौ में ऐसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना। क्या करना? कि हे पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमें रोज की रोटी दे, हमें अजमाइश में ना डाल, हमारे कसूर वारों के जैसे माफ कर, हमारे भी पाप क्या कर क्षमा कर, हमें अजमाइश में ना डाल, बुरियाई से बचा। ऐसे उसने कहा प्रार्थना कर। और जब छे प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये करने के लिए कहा, तब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर नहीं था। हाँ, क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना चेलों को करने के लिए कहा, तब शैतान का इस पृथ्वी पर अधिकार था, शैतान का शासन था लोगों पर और पृथ्वी पर सब चीजों पर। किसका शासन, किसका अधिकार था? शैतान का। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा, आप इस रीति प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर। पर आज यह सच्चाई है कि आज पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी पूरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उस समय यीशु मसीह का क्रूसीफाइव नहीं हुआ था, तब यीशु मसीह क्रूस पर दिए नहीं गए जब ये प्रार्थना ऐसी की। आज हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आ चुका है। बोलो क्या है? आज परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आ चुका है। अभी शैतान का शासन खत्म हो चुका है, शैतान का अभी कोई अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? कोई अधिकार नहीं है, उसका शासन खत्म है। यीशु ने सूली पर किल्लों से अपने आप को जड़कर शैतान को नकम्मा कर दिया। क्या कर दिया है? उसको नकम्मा कर दिया, नकम्मा, समझे हो? इसलिए उसके शासन को, शैतान के जो उसका अधिकार था पृथ्वी पर, उसने लिखा जो हमारे विधियों में शैतान ने वो पाप लिख दिया था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को सूली पे किल्लों से जड़कर मिटा दिया है। क्या कर दिया है? मिटा दिया, मिटा। इसलिए आप धन्यवाद करो, रोज रोज आप धन्यवाद करो। हाँ, क्या करो? अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए जैसे स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, ऐसे ही अगर आप इस समय आप पृथ्वी पर हो तो आपको पता है कि परमेश्वर की सच्चाई जी है, उसका वचन हमें यह बता रहा है। तो आप रोज धन्यवाद करो, आप ऐसे चलो, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानो। क्या मानो? उसकी हर आज्ञा को मानो, उसके हर नियम को पूरा करो, तो आपके लिए पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। क्या है? मैंने कहा आपके लिए पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। वहां पे तो स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, पर यहां पे पृथ्वी पर भी अगर आप परमेश्वर की योजना को आप समझो कि उसने हमारे लिए क्या किया, तो आपके लिए यहां पे भी स्वर्ग है। हाँ, आप हर बात के लिए फिर धन्यवाद करो कि परमेश्वर आप तो हमारे लिए कर चुके। हाँ, ये हालात मेरे लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ये दुख मेरे लिए नहीं है। क्या है? ये मेरे लिए नहीं है, समझो, क्योंकि स्वर्ग में तो कोई दुख नहीं है। पर अगर इस वचन को, जैसे अभी यूहन्ना 10 की 10 में उसने कहा कि वह जो लोग मेरी बातों का विश्वास करेंगे वो कौन सा जीवन पाएंगे? अबंडेंट लाइफ, चोखा, जिसमें कोई दुख, समझो। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो फिर आप रोज धन्यवाद करोगे। क्या करोगे? उस बात के लिए रोज रोज धन्यवाद करोगे। आपके लिए स्वर्ग पृथ्वी पर भी है। क्या है? आपके लिए स्वर्ग पृथ्वी पर भी है,
समझ आ रही है? आपको यहां पे भी परमेश्वर भला चंगा रखेगा। हाँ, क्या करेगा? समझते हो? जैसे हनोक ने दुख को नहीं देखा और परमेश्वर ने उसको ऐसे उठा लिया। हाँ, एलिजा ने कोई बीमारी किसी दुख को नहीं देखा, उसको ऐसे उठा लिया। हाँ, ऐसे ही परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। क्या करेगा? पर कब करेगा? बोलो, कब ऐसा परमेश्वर आपके साथ करेगा? जब आप उसे समझोगे, आप परमेश्वर की बातों को समझोगे और उन पर चलोगे। समझ आ रही? जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझोगे, उन पर नहीं चलोगे, तो कुछ नहीं होगा। बोलो क्या है? अगर आपको समझ आ गई कि परमेश्वर का कानून ये है, बोलो समझ आ गई, तो फिर आप रोज रोज वैसा करो और देखना, आपके लिए पृथ्वी पर भी स्वर्ग है। बोलो क्या है? पृथ्वी पर भी स्वर्ग है। इसलिए वो कहता है, दुखियारे के दिन दुख परे रहेंगे, पर मानो जो नित्य भोज में है वो पार्टी में है, वो आनंद कर रहा है। जैसे स्वर्ग में आनंद होगा, ऐसे ही जो आज भी परमेश्वर की बातों पर मन लगाकर उसके साथ चलता है, उसको याद करता है, वो आनंद में है, वो पार्टी में। ठीक है? तो ये रोज रोज आपने ऐसे करना है। समझते हो? तो आपके लिए पृथ्वी पर भी स्वर्ग है। बोलो क्या है? आपके लिए पृथ्वी पर भी स्वर्ग है। इसलिए आपने चिंता नहीं करनी। क्या नहीं करनी? चिंता नहीं करनी। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपनी बुद्धि ना लगाओ, अपनी सोच ना लगाओ। जैसे दाऊद परमेश्वर के पास गया, वैसे ही आप भी किसके पास जाओ? किसके पास जाओ? तो क्या वो आपकी नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? आपकी गति को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? समझो, तो बस यही परमेश्वर का राज्य, और इसमें आपने बढ़ना है। आमेन, हालेलुया।